हमारे देश में कई ऐसी संस्थाएं हैं जो टेक्निक और रिसर्च के बदौलत एंटरप्रेन्योर्स की मदद कर रही हैं। इस पहल से स्टूडेंट्स को सीखने का अवसर मिल रहा है और उन्हें अपना कामकाज आगे बढ़ाने में आसानी हो रही है। कैसे? युवाओं को एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए आज देश में एक बड़ा माहौल तैयार किया जा रहा है। स्किल इंडिया मिशन की मदद से न सिर्फ युवाओं को हुनरमंद बनाया जा रहा है बल्कि इनको आर्थिक सहयोग भी दिया जा रहा है। हमें कुछ ऐसे ही दिखा हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में स्थित जेपी यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, जहां रिसर्च और तकनीकी सहयोग के जरिए लोगों को एंटरप्रेन्योर बनने में मदद की जा रही है। जेपी यूनिवर्सिटी में हमने टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल शुरू किया है। इस सेल में हम बच्चों को प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने की ट्रेनिंग देते हैं और अब इस सेल को हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज हिमाचल प्रदेश, इन्होंने इनको स्पॉन्सर भी किया है और हमें 60 लाख की ग्रांट भी दी है। इस सेंटर के अंडर इस टाइम 6 एंटरप्रेन्योर्स हमारे यहाँ काम कर रहे हैं जो प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं और उनको फेलोशिप जो है हिमाचल गवर्नमेंट दे रही है। हमारे देश का बड़ा हिस्सा आज भी खेती बाड़ी पर निर्भर करता है। इनकी आमदनी बढ़ाने के लिए इंस्टीट्यूट में किसानों को ऐसी फसलों की जानकारी देने के साथ साथ उनकी खेती के लिए उन्हें ट्रेनिंग देकर हुनरमंद बनाया जाता है, जिससे किसानों की साल भर अच्छी आमदनी हो सके। हम यहाँ पे मेडिसिनल प्लांट्स, हॉर्टिकल्चर प्लांट्स और फॉरेस्ट्री प्लांट्स पे काम करते हैं। हम उनका नंबर बढ़ाते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो प्रोपेगेशन, सो दैट वी कैन प्रोवाइड इट टू द फार्मर्स। फार्मर्स इनको ग्रो करके अपनी फील्ड कंडीशंस में अपना लाइवलीहुड इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये एक और एवेन्यू है फार्मर्स को अपने सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए। इसके साथ जो हमारे बीटेक, एमटेक या पीएचडी कैंडिडेट्स हैं, वो अपनी रिसर्च के लिए इन प्लांट्स को यूज़ कर सकते हैं और अभी भी होती हैं सर। बहुत से बच्चों ने इसमें बहुत सारा काम किया है जिनमें उनको बेस्ट अवार्ड्स भी मिले हैं और बहुत से लोगों ने इसको फर्दर एक्सटेंड किया है ताकि हम इसे मासेस तक पहुंचा सकें। आज आईटी सेक्टर जिस तेजी से बढ़ रहा है, इसके लिए संस्थान में युवाओं को आधुनिक तकनीक की बेहतर जानकारी देकर हुनरमंद बनाया जाता है, जिससे इन युवाओं को नौकरी मिलने में आसानी हो सके। आजकल समाज में जैसे टेक्नोलॉजी का प्रभाव बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं, तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स जो है उनको हम अच्छे से स्किल करें, ट्रेनिंग दें और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके बारे में अच्छे से सिखाएं, पढ़ाएं, ताकि वो ना केवल अपने प्रदेश, समाज और देश के लिए भी काम कर सकें और देश को आगे उन्नति की तरफ बढ़ा सकें। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास होता है, इसके लिए संस्थान में युवाओं को योग और अपनी सेहत को बेहतर बनाए रखने के लिए सारी सुविधाएं मौजूद हैं। पढ़ाई का अच्छा माहौल मिलने से आज यहाँ के युवा बड़ी बड़ी कंपनियों में जाते हैं, जिससे न सिर्फ इन युवाओं का बेहतर भविष्य बनता है बल्कि कंपनियों को भी बेहतर एम्प्लॉय मिल जाते हैं। हुनर के विकास से जिंदगी की राह आसान हो जाती है, यही प्रयास है सरकार का। शिक्षण संस्थानों का सहारा मिलने से युवाओं के लिए एक अच्छा माहौल तैयार हो रहा है, बस जरूरत है अपने लिए एक बेहतर विकल्प चुनकर उस पर आगे बढ़ने की, ताकि युवा अपने करियर को एक दिशा देकर अपने सपनों को साकार कर सकें और देश की तरक्की में सहयोग कर सकें।